अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अरबी बैंगन बनाने का तरीका बताती हूँ। मैं 7 बैंगन ले रही हूँ और उनका छिलका उतार कर गोल शेप में काट लिया है। अरबी को छील कर उसको दरमियान में एक कट लगा लें। 10 मिनट के लिए नमक लगा कर रख लें। 10 मिनट के बाद अरबी को अच्छी तरह धो लें। अरबी बैंगन बनाने के लिए आपको एक दरमियाने साइज़ का प्याज चाहिए, जिसको मैंने लंबी शेप में काट लिया है। मैं 7 पीस लहसुन के भी ले रही हूँ, उनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है और उसको भी मैंने काट लिया है। मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी लूँगी, जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और आधी गुठी हरा धनिया भी है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 3 टेबलस्पून दही के भी मैं डालूंगी। और मसाले जो मैं डालूंगी वो हैं नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चें पीसी हुई 1 टीस्पून, सूखा धनिया पीसा हुआ 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। सबसे पहले पतीले में ऑयल डालकर ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। ऑयल गर्म होता है तो साथ ही अरबी को भी डाल दें और अरबी को हल्का सा ब्राउन होने दें। जब अरबी हल्की सी ब्राउन होती है तो उसको बाउल में निकाल कर रख लें। उसी ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल डालकर प्याज डाल दें। प्याज को नरम होने दें। अब इसमें लहसुन भी डालकर लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने दें और फिर हरी मिर्च डालकर थोड़ी सी फ्राई होने दें और साथ ही टमाटर डालकर टमाटर को भी अच्छी तरह भून लें। अब देखें टमाटर गल गया है, साथ ही अरबी को डालकर अच्छी तरह भून लें। अरबी भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। अरबियों को भूनकर इसमें बैंगन, सूखा धनिया पीसा हुआ, दही, हरा धनिया और साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकने के लिए रख दें और तब तक पकाएं जब तक अरबी और बैंगन गल ना जाए।
अब देखें अरबी और बैंगन गल गए हैं। अब इनको डिश में डालकर सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।